चलो यार गाइस, दिस साइड सी एस एस हरीश मथारिया। हम लोग 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे। इसमें हमने बेसिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें देखी है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, है ना, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, एंड बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने देख लिया था। ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स, एक्सपेंस लॉसेज, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, बिजनेस गुड्स, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बहुत सारी। उसके बाद मैंने आप लोगों को रूल बताया था, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। यस और नो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। क्लियर, बेसिक्स हमने देख लिया था। उसके बाद हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखा था, जिसमें थ्योरी पढ़ी थी बहुत सारी। बाप रे बाप, इतना सारा पढ़ लिया सर हमने। यस, बहुत सारा पढ़ा बेटा। चलो कुछ याद आया? ये सारी नोट्स लिखी है आपके पास में। बिजनेस का मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटर या अकेला, पार्टनरशिप फर्म, एक से ज़्यादा कंपनी, है ना, जहाँ पे कंपनी के अंदर में बेसिकली ओनर्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ओनर के हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। डोंट वरी, कंपनी आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, आप 12th में पढ़ोगे, है ना, पार्टनरशिप भी आप 12th में पढ़ोगे। सो पार्टनरशिप कंपनी 12th में है, यहाँ सिर्फ सोल प्रोप्राइटरी। यस और नो, अकेला आदमी अगर धंधा कर रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? उसके बाद बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन हम लोग याद करके नहीं रख सकते। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग के बारे में देखा था, लेमन्स लैंग्वेज में इसका मीनिंग देखा था, कहाँ गया रे बाकी का। हाँ, अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये भी हमने देख लिया था, हिसाब किताब लिखना, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लिखना, यस और नो। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, वाई अकाउंटिंग और नीड ऑफ अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, है ना, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, बिजनेस के रिजल्ट समझ में आ जाएंगे, धंधे में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बिजनेस की औकात यानी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ जाएगी, इनकम एक्सपेंसेस कितने हैं, रिसीवेबल पेएबल किससे कितना लेना है, किससे किसको कितना देना है, रिसीवेबल किससे कितना लेना है, पेएबल किसको कितना देना है। उसके बाद काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स हमने देखा था, ये आखिरी की तीन चार बेसिक टर्म्स नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज़ करने तक के सारे खर्चे असेट के वैल्यू में ऐड करते हैं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा ना नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट टॉपिक में, यस बरोबर है। उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए थे, और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाया था, याद आ रहा है? देन एग्जाम्पल्स की बरसात लिया था, गुड्स के बारे में बताया था, डिस्काउंट के बारे में बताया था, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कैसे पहचानना है ये बताया था, डिस्काउंट के बारे में आइडिया दिया था। दो टाइप के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जब आप दुकान पर माल खरीदने या बेचने जाते हो तो अक्रॉस द काउंटर ही ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कम हो गया। मान लो 100 रुपये की चीज़ है और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रांजेक्शन ही 90 का ऐसा समझेंगे। 100 रुपये की चीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो हम लोग समझेंगे पूरा ट्रांजेक्शन ही 90 का है। जो 10 रुपये है, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, उसको हम लोग कहीं कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी अकाउंटिंग नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव बताया था, ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, ट्रेड बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, बरोबर है। वो सेल कैश सेल भी हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे देते हैं, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ द अमाउंट, पैसा जल्दी मिलने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। बेटा एक पार्टी है काफ़ी समय से पैसे ही नहीं दे रही है, तो मैंने उसको बोला, भैया तू अगर पैसा जल्दी दे देगी तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट देने वाला हूँ। मैं तुझे क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट देने वाला हूँ, यस और नो। तो उस पार्टी ने पैसा दे दिया ला करके, तो मैंने उसे लालच दिया कैश डिस्काउंट, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ द पेमेंट। कहाँ गया हमारा ट्रेड और कैश डिस्काउंट, ये है, हाँ ये है। क्लियर, सब लोग साथ में, डन, चलो आगे। देन डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बताया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी टाइप में आपने आंसर लिखना है, ओन लैंग्वेज में, आसान भाषा में लिखवा के दिया है सब।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, सारी चीज़ें अलग 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 आपको लिखवा के दी है, ये कीवर्ड्स अंडरलाइन करवा के दिए हैं, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग बताया हुआ है, ये कीवर्ड्स लिखवा के दिए हैं, बरोबर है। उसके बाद अकाउंटेंसी का मैंने एकदम क्या कहते हैं आपको बर्ड आई व्यू दिखाया था, और अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आती है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों भी आ जाता है, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों आ जाता है। अकाउंटेंसी भारत, देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुणे, बरोबर है। बुक कीपिंग बेसिकली क्लरिकल नेचर का वर्क रहेगा, बुक कीपिंग में बेसिकली क्लरिकल नेचर का काम रहेगा, बुक कीपिंग बेसिकली क्लरिकल नेचर का काम रहेगा। डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब बुक कीपिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस, यस और नो। ट्रांजेक्शन हुआ कि एंट्री मार, ट्रांजेक्शन हुआ कि एंट्री मार, ट्रांजेक्शन हुआ कि एंट्री मार, ट्रांजेक्शन हुआ कि एंट्रा मार। एंट्रा मारना कहाँ पे आता है सब? बुक कीपिंग में। सबको समझ में आ रही है सारी चीज़ें? और कुछ डेफिनेशंस महान दम इंसानों ने लिख करके दी थी, वो डेफिनेशन मैंने एज इट इज़ लिखवा दी। सर डेफिनेशन एज इट इज़ लिखना है? हाँ, डेफिनेशन में चेंज मत करना, क्लियर, पक्का, चलो आगे, ऑल सेट, ओके। देन देन फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बता दिया था, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको बताई। देन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ा था, याद आ रहा है क्या कुछ? यस और नो? सब लोग साथ में है ना मुन्ना, क्लियर? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का क्या डिफरेंस है? काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स बताई थी, थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से पॉइंट्स पे आते हैं ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इस पॉइंट पे आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। डन, अब तक जो देखा उसमें किसी भी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पहले एक बार पूछो। अकाउंटेंसी के अंदर में सब आ जाएगा, बुक कीपिंग से लेके फाइनल अकाउंट बनाने तक। सर फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। ये डायग्राम याद आ रहा है पिछले लेक्चर का, पिछले या पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। ओ हो हो हो, अभी देखो, अब थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखेगा तो समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसे क्लियर, डन, पक्की बात, डन 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 डन। ये है हमारा ब्रह्मांड, इसमें आती है सारी चीज़ें, ये ही हम लोगों को देखना है। यो, आपका लेक्चर 7:30 का, डन। ये था, याद आ रहा है तो, ये है बिजनेस, बिजनेस में होते हैं ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को हमें करना होता है रिकॉर्ड, बिजनेस में होते हैं ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को हमें करना है रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रांजेक्शन्स को करना है रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन पोस्टिंग, देन बैलेंसिंग, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट। ये कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक हमने, ये सब आगे आने वाला है, ये सब आगे आएगा। मैंने अभी तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग बताया, और एक अंदर की बात बताऊँ, रिकॉर्डिंग भी वापस आने वाला है सेकेंड चैप्टर में। सर फिर फर्स्ट चैप्टर में क्या है? फर्स्ट चैप्टर में बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस, बुक कीपिंग के फीचर्स, बुक कीपिंग की यूटिलिटी, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस। अच्छा, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं क्या फर्स्ट चैप्टर में? हाँ, बरोबर है, क्लियर, पक्का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। यस बेटा, हाँ, कुछ लेक्चर पहले मैंने लिया था, ये चार्ट आपको बताया था, पिछले लेक्चर का नहीं था, उससे पहले का था शायद थोड़ा। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया, बरोबर है, मीनिंग क्या है, स्टेज, बुक कीपिंग पहली स्टेज है, अकाउंटेंसी में सारी स्टेज आ जाती है, अकाउंटेंसी ये ब्रह्मांड है, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आता है और समराइजिंग एनालाइजिंग मतलब अकाउंटिंग भी आ जाता है, अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों आता है, क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? चलो बेटा आगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ,
प्लीज ध्यान देना। अरे ये बंद हो गया, फिर ऐसे कैसे हो गया रे बेटा? जस्ट सेकेंड, आज क्या हो गया है हमारे वन नोट को? चल बेटा शुरू हो जा, चल बेटा शुरू हो जा, बच्चों को परेशान मत कर। हाँ हो गया, ये हमने देख लिया था, ये देखा था बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये सॉरी अकाउंटिंग मेथड किस किस बेसिस पे है, अकाउंटिंग मेथड्स किस किस बेसिस पे है, गड़बड़ सब लोग ध्यान देना। हाँ काफ़ी बोर होता है ना ये चैप्टर, बट क्या करें बेटा, नंबर मिलते हैं ना, करना ज़रूरी है, इसलिए हर एक पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। बेसिस अकाउंटिंग मेथड देख लिया, कैश मर्केंटाइल सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम। कैश सिस्टम में अगर आपके पास एक्चुअल में कैश आया, कैश और बैंक, या एक्चुअल में कैश बैंक गया तो ही आप एंट्री करोगे। मर्केंटाइल में कैश आओ नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही कोई इनकम या एक्सपेंस ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, लागू हो गया, आप उसका अकाउंटिंग करोगे। और हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल, इसी को बोलते हैं अक्रूअल। हाइब्रिड में पैसा आते वक्त एक्चुअल में आया तो अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन खर्चों के समय अगर खर्चे ड्यू भी हो गए तो अकाउंटिंग कर लेंगे। ना आपको हाइब्रिड सिस्टम है ना आपको कैश सिस्टम है, आपको मर्केंटाइल सिस्टम है, 11th में 12th में हर जगह पे। चलो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, फिर उसके बाद मैंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया दिया था, है ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। और मैंने ये इक्वेशन प्रूव करके बताया था कि हर बार ये इक्वेशन आपका कैसे टैली रहने वाला है, ये आपका इक्वेशन कैसे टैली होगा, ये मैंने प्रूव किया था, बराबर है? कुछ याद आ रहा है क्या, यस और नो? पक्की बात, डन, ये इक्वेशन हमने प्रूव किया था। चलो आ जाओ, और मैंने ये रिवीजन करवा के दे दिया था कि इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। लेजर पोस्टिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग लेजर पोस्टिंग आगे सब आने वाला है फिर से। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस एंड करेक्ट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्लियर, बरोबर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? और मैंने आसान भाषा में सारी चीज़ें लिखवा के दी है, ऐसे ही आपने सर पेपर में ऐसी डायग्राम बना के आंसर लिखा तो खुश हो जाएगा। अलग अलग कलर का पेन यूज़ मत करना, सिंगल कलर का पेन यूज़ करना, ब्लैक या ब्लू, कोई भी, जो भी आपके एग्जाम के समय अप्लीकेबल रहेगा। आपको हॉल टिकट पे पीछे पलटा के देखोगे तो सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, हॉल टिकट के पीछे पलटा के देखोगे तो एडमिट कार्ड के पीछे सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। देन मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, मनी मेजरमेंट, आपने वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ, बाकी और कोई ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, यस और नो? है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच यू कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ, उसके अलावा आपने और कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है, क्लियर है? सर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मतलब इतना ज़रूरी होता है क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना? हाँ सर, क्यों ज़रूरी होता है बताता हूँ क्यों ज़रूरी होता है। तो ये देखो, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि वाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर सो इम्पॉर्टेंट, वाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर, अरे कोई कलर मोटा पेन है क्या चलने वाला? कोई भी मोटा पेन नहीं है, ये देखो यही लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे की वजह है, मैं उसकी इम्पोर्टेंस लिख करके बता रहा हूँ। सब लोग साथ में हैं, सर ये लिखना है हमने? हाँ लिखना है, बरोबर, आ जाओ ध्यान देना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर किसी इंसान ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटिंग किया, अगर किसी इंसान ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग किया, तो ही हम ऐसा बोलेंगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रिलायबल है, भरोसा करने लायक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो ही आप ऐसा बोल सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट पे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। आपने अकाउंटिंग किया विदाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बोलो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी, जो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या आप उसके ऊपर भरोसा कर पाओगे? क्या आप फिनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर पाओगे? नो। दूसरा एक और इंपॉर्टेंस बताता हूँ, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सर कौन से कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट है, कॉस्ट है, अक्रूअल है ना, बिजनेस एंटिटी है, उसके बाद आपका कंजर्वेटिज्म है, प्रूडेंस है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे। सो ये सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है अकाउंटिंग करते वक्त। याद आया क्या कुछ? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट यूज करके अकाउंटिंग किया है तो, है ना, वी कैन रिलाय ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाए हुए हैं तो हर कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्वेंशंस फॉलो करेगा, हर कोई फॉलो करेगा तो सबका अकाउंटिंग यूनिफॉर्म तरीके से होगा, कोई अपने अलग अलग घोड़े नहीं दौड़ाएगा, हर कोई अकाउंटिंग एकदम यूनिफॉर्म तरीके से करेगा, यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जनरली एक्सेप्टेबल है, हर जगह हर कोई एक्सेप्ट करता है, तो अगर कोई अकाउंटेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर ये जॉब छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया तो इसे कोई डर है क्या? नो, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे अकाउंटिंग करते वक्त सेम इधर है, हर जगह यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह एक्सेप्टेबल है, जनरली एक्सेप्टेबल, बरोबर है क्या? सर सभी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड जो भी अजम्पशंस रहेंगे वो वैलिड रहेंगे। सर अब अजम्पशंस वैलिड रहना मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए, प्लीज़ ध्यान देना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जब भी आप अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कोई ना कोई अजम्पशन है और उस अजम्पशन की मदद से आपने अकाउंटिंग किया है, बरोबर है? सर सीधा सीधा बता दो कहना क्या चाहते हो, सुनो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अकाउंटिंग करते हो, हर एक इंसान अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करता है तो वो अकाउंटिंग प्रॉपर है, ट्रू है, फेयर है, एक्सेप्टेबल है, रिलायबल है, भरोसा करने लायक है, ऐसा मैं बोलूँगा। इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया? चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, प्लीज़ ध्यान देना। पहला, आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की मदद से क्या मिलेगा? रिलायबल फिनेंशियल स्टेटमेंट, FS, फिनेंशियल स्टेटमेंट, लिखो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर जगह एक्सेप्टेबल है, जनरल एक्सेप्टेंस, तीसरा सभी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करके अकाउंटिंग किया तो उस अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन पैदा होगी जो यूजर यूज करेगा, सर कौन यूज करेगा? मैं धंधे का मालिक हूं, मुझे देखना है मेरा धंधा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कब रहेगी? अगर मेरे अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज किया होगा तो, यस और नो। उसके बाद फोर्थ, प्लीज ध्यान देना बेटा, हर कोई, देखो प्लीज ध्यान देना, हर कोई अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी क्या? यस, यूनिफॉर्मिटी। सर यूनिफॉर्मिटी से क्या हो जाता? कंपेरिजन करने में आसानी हो जाएगी, बरोबर है? यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन एंड वैलिड अजम्पशंस, जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वैलिड अजम्पशंस के भरोसे बनाए हुए हैं, तो हम लोग समझेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर वो कॉन्सेप्ट यूज किए तो सभी ने वो प्रॉपर अजम्पशन ही यूज लिया होगा, है ना? जैसे कि नहीं, मान लो अपनी, प्लीज ध्यान है, प्लीज ध्यान है बेटा, अब एक वैलिड अजम्पशन बता रहो, अजम्पशन यानी हम लोग जो सोच के बैठे कि हाँ यार ठीक है, अब जैसे कि नहीं, मान लो मैं आपके घर पे आया तो इतना तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ ना कि आप मुझे पानी पिलाओगे, ये वैलिड अजम्पशन है कि नहीं?
मैं ऐसा इतना सोच के गया कि चलो यार मैं मेरे स्टूडेंट के यहाँ पे जा रहा हूँ, पानी तो पिलाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं स्टूडेंट के यहाँ पे गया मुझे वो पंच पकवान खिलाने वाला है, रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाने वाला है, ये वैलिड अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन क्या है, मैं सोच के गया था, अजम्पशन मैं ऐसा सोच रहा था, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा था कि स्टूडेंट मुझे एटलीस्ट पानी तो पिलाएगा। यस, ये अजम्पशन वैलिड है सर आपका। लेकिन मैं किसी स्टूडेंट के यहाँ पे गया और उसकी तरफ मैं देख रहा, क्या यार तूने तो मुझे पार्टी दिया ही नहीं, तूने तो मुझे पंच पकवान खिलाए नहीं, वो क्या बोलेगा, सर ये अजम्पशन आपका वैलिड नहीं है। हाँ, अगर आप पानी का सोच के आते कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये क्या बात हुई, समझ में आया अजम्पशन क्या होता है। तो ऐसी अकाउंटिंग करते वक्त भी काफ़ी सारे अजम्पशंस है सर, कौन से, सेकेंड थर्ड चैप्टर में आएंगे, बरोबर है, और वो सारे अजम्पशन कॉन्सेप्ट बेस है। एक बच्ची बोल रही सर आप आओ तो सही, हम सब खिला देंगे। थैंक यू सो मच यार, डेफिनेटली आऊँगा कोई दिन, चल आ जाओ। सो इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट पढ़ लिया, बिजनेस एंटिटी पढ़ा, बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, देन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, रिकॉर्ड ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन, इग्नोर करो इमटेरियल ट्रांजेक्शन्स को, कंसिस्टेंसी हमने पढ़ लिया था, पिछले पीरियड में जो पॉलिसी फॉलो किया था सेम पॉलिसी अगर आप इस पीरियड में फॉलो कर रहे हो मतलब आप कंसिस्टेंट हो। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, प्लीज़ ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे दुकान में जो माल पड़ा है, जो स्टॉक पड़ा है, उस स्टॉक को वैल्यूएशन करने की बहुत सारी मेथड्स है, उसमें से मैंने ये वाली मेथड पिछले पीरियड में फॉलो किया था, इस पीरियड में भी सेम मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ। सर इसका मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ माल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल है, क्लियर, पक्की बात। उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा था कि सारे असेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, जो भी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट रहेगी। अक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, इनकम और एक्सपेंसेस को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, जैसे ही वो इनकम आपने कमा लिया फिर वो इनकम एक्चुअल में मिलो चाहे ना मिलो। जैसे मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, कमाई हो गई, हाँ, पैसा मिला ना, उधारी में माल बेचा ना, पैसा नहीं मिला अभी तक लेकिन कमाई हो गई क्या, हाँ। सो आपने जैसे ही कमाई हो गई, कोई इनकम अक्रू हो गया, अकाउंटिंग कर दो, कोई एक्सपेंस अक्रू हो गया, जैसे मैंने किसी से उधारी में माल खरीदा, पैसा दिया ना लेकिन खर्चा हो गया, हाँ, तो क्या हुआ, पेमेंट नहीं किया। सो यू हैव टू अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंस एज एंड व्हेन सच इनकम और एक्सपेंस वर ड्यू और अक्रूड, ड्यू और अक्रूड, इररिस्पेक्टिव ऑफ, फिर भले कैश मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का कैश पेमेंट करो चाहे ना पेमेंट करो, डन। यस भाई, बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है मेरे होम टाउन से वो पास में ही है, अगर आपने मन बना लिया तो सर आप बिल्कुल आ सकते हो, बिल्कुल आ जाऊंगा भाई, चल आ जाओ। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट देखा था। रेवेन्यू मैचिंग क्या होता है, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ और इनकम ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड, इस पीरियड के इनकम के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे चाहिए, बरोबर है। ये रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट टॉपिक में काफ़ी यूज होने वाला है, अभी नहीं समझा तो भी चिंता मत करना, ये सारे कॉन्सेप्ट पूरे सिलेबस में यूज होने वाले हैं। अभी अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट 10% भी समझते हैं मोर देन सफिशियंट है, चिंता मत करना, मैं पूरे सिलेबस में कॉन्सेप्ट बार बार बताने वाला हूँ। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, लेन देन, देन लेन, यस और नो। उसके बाद कंजर्वेटिज्म, इसके बारे में देखा था, एंटीसिपेट फ्यूचर एक्सपेंस लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन, ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। मुझसे शादी करोगी मूवी सलमान खान, फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए अभी से गुल्लक में प्रोविजन करता था, यस और नो, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आने वाले हैं, चिंता करना मत, डन। चलो आगे, पक्की बात, क्लियर है, डन डन डन। चल अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, नो आएंगे आगे। एक बच्चा लिख रहा है सर टेक्स्ट बुक में 12 कॉन्सेप्ट है, बेटा कॉन्सेप्ट टोटल 15 है, 12 नहीं है।
बट वो जब वो पॉइंट आएगा तब मैं बताऊंगा। टोटल 15 कॉन्सेप्ट है आपके, जो टेक्स्ट बुक है ना 12th के 11th का, उसमें भी कॉन्सेप्ट सारे नहीं है, आएंगे आगे, चिंता मत करो। अच्छा, भरोसा रखो, आपने बेस्ट टीचर सिलेक्ट किया है, चिंता मत करना। चलो ठीक है, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। लास्ट पार्ट है अब इस टॉपिक का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बरोबर है? चलो, है ना, आ जा मुन्ना। एक बच्चा फिर भी बोल रहा है सर इसमें टेक्स्ट बुक में 12 है, तो अभी बता देता हूँ। रियलाइजेशन और दूसरा है डिस्क्लोजर, ठीक है? हैप्पी? बट डोंट वरी, आगे आने वाले। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो सारी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए। यू हैव टू डिस्क्लोज, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे लड़का लड़की जब पहली बार मिलते हैं ना शादी के लिए एक दूसरे से, तो एक दूसरे को क्या देते हैं? डिस्क्लोजर। लड़का बोलता है, मेरे इतने अफेयर है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे 4 अफेयर थे, ऐसा था वैसा था। लड़की बोल देती, मेरे भी 15 अफेयर थे, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया? डिस्क्लोजर, ताकि रिश्ता मजबूत रहे, सच की बुनियाद पे रहे। यस और नो, ये है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को कहता है, ए अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा ना, तब तूने सारी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोल रहा है। और दूसरा है रियलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, तूने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लेना, अकाउंटिंग करना। जैसे ही वो रेवेन्यू, एज एंड व्हेन, जैसे ही वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, जैसे ही वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, तूने उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे ही कोई रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, तूने उसे रिकॉग्नाइज करना है। सर इसका मतलब, जब तक कोई रेवेन्यू इनकम, अगर कुछ अलग से बोला नहीं हो तो रेवेन्यू यानी इनकम। सर इसका मतलब, जब तक कोई रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता, तब तक उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट है ना, जब हमने अक्रूवल पढ़ा था ना, अक्रूवल, अक्रूवल में इनकम एक्सपेंस दोनों की बात थी, रियलाइजेशन में सिर्फ इनकम की बात है। ये आगे आने वाला है, चिंता मत करना। क्लियर? हैप्पी? चलो आगे, चल आ जाओ। मैं आप लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी 11th की बुक में है ही नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे आप जीवन में जब भी CA, CS, CA में कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डन? चलो सब लोग साथ में मुन्ना, चलो आगे। एक बच्चे ने लिखा था, सर टेक्स्ट बुक में 12 है, बट डोंट वरी, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे वापस आने वाले हैं। आ जाओ नाउ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। हाँ चलो देखो तो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, थेरी क्वेश्चन आता है इसमें, थेरी क्वेश्चन आता है इस पे। क्लियर है? लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर, अच्छे से ध्यान दो। हाँ
भाई साहब, सर क्या हुआ? अरे वो रिंग है ना, काफी समय बाद पहना ना रे, तो इसलिए निशान हो गया सब। आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बताता हूँ, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, AS एंड IFRS दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो पहले मैं बात करूँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, लिखो मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं AS बोल दूँ चलेगा क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन रिटन पॉलिसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। सबको क्लियर दिख रहा है बेटा? अगर कोई बच्चा लेक्चर फ़ोन में भी देख रहा है, लैपटॉप में भी देख रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है जो भी लिख रहा हूँ? फ़ोन वाले बच्चे जो एंड्रॉयड फ़ोन में देख रहे हैं, क्लियर है? ओके चल, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटर्न पॉलिसी। ए राजेश करना, ध्यान दे इधर, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सर ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है बताता हूँ। इशूड बाय कौन इशू करता है? इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ, ICAI का लॉन्ग फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ICAI। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी को बनना है ना, तो ICAI में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सर कितने प्रोफेशनल कोर्सेस है जरा बताना तो 12th के बाद। बेटा 12वीं के बाद, 12th के बाद भारत में तीन प्रोफेशनल कोर्सेस है अच्छे, एक है CA, दूसरा है CS और तीसरा है CMA। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर ये क्या करता है? ये अकाउंटिंग के, ऑडिट के और इनकम टैक्स के काम करता है, GST के काम करता है। CS क्या करता है? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। CS कंपनी पैदा करने से लेके कंपनी बंद करने तक और इन दौरान जो लीगल कंप्लाइंसेस के काम है कंपनी के, वो देखता है। और CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी प्रोफेशनल है क्या? हाँ, ये क्या करता है? जनरली इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, बरोबर है? तो ये निकालने में CMA हेल्प करता है। सो बेसिकली CA अकाउंट ऑडिट टैक्सेशन से रिलेटेड काम करता है, CS कंपनी का लीगल एक्सपर्ट है और CMA कॉस्टिंग रिलेटेड काम करता है। तीनों प्रोफेशनल कोर्स है, BCom के साथ साथ भी कर सकते हैं। 12th के बाद करोगे, BCom के साथ साथ भी कर सकते हो। सर आपने CA CS दोनों भी किया? हाँ। सर आपको कैसा लगा? मस्त लगा, करके जवानी पूरी चली गई, लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है। यस और नो, क्लियर है? एक बच्चे ने बोला सर 12th के बाद अलग अलग BCom कौन से होते हैं, जैसे BCom एडवांस, BCom प्लेन। मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एम है इन तीनों में से कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना, CA CS CMA, तो BCom कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? अगर कोई बच्चा प्लेन BCom करना चाहता है या फिर दिल्ली से जाके BCom करना चाहता है, तो BCom ऑनर्स है, प्लेन BCom है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे आपको BCom का ज्ञान देने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि उससे भी अच्छे अच्छे कोई कोर्सेस है, उससे भी अच्छे अच्छे कोई कोर्सेस है, तो वो कोर्सेस के बारे में ध्यान रखना। सर जैसे CA के लिए ये इंस्टीट्यूट है, सर ये इनकी कोई कॉलेज होती है क्या CA CS CMA की? ना,
ये तीनों प्राइवेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, कितने कितने साल के सर? ऑन एन एवरेज 5-5 साल के, 12वीं के बाद। सर खर्चा कितना है? खर्चा कुछ हज़ारों में है, लेकिन जवानी पूरी लग जाती है, यानी 12th के बाद के 5 साल भूल जाना, आई बाबा नहीं साई बाबा की शपथ लेके पढ़ाई करना पड़ता है, यस और नो? सर आगे की लाइफ बेस्ट है, क्लियर? तो ये अच्छे कोर्सेस हैं, जैसे CA के लिए ये इंस्टीट्यूट है ICAI, CS के लिए ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, CMA के लिए ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सर नो? बताऊंगा कभी फुर्सत में इनके बारे में, आ जाओ आ जाओ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं AS की, चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ AS की, अभी मैं बात कर रहा हूँ AS की, यस और नो? चलो अच्छे से ध्यान देना सर। सर अभी मैं बात कर रहा हूँ AS की। सो रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर बेसिकली क्या करते हैं AS, क्या प्रोवाइड करते हैं ये क्या करते हैं, क्यों आए? अब देखो ध्यान देना अच्छे से, पहले क्या होता था, देखो नाम में ही मीनिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाम में ही मीनिंग है स्टैंडर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए प्लीज़ ध्यान देना, अगर ये स्टैंडर्ड्स ना होते ना तो हर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के आखिर में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाता। स्टैंडर्ड होने के कारण सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेंगे, ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फॉर्मेशन जल्दी समझ में आ जाए। अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी छोड़ के दूसरे में गया तो उसको वहाँ पे दिक्कत ना आए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर किसी ने फॉलो करना है। सर हर एक मतलब किराना दुकान वाले ने भी फॉलो करना है क्या? ना। सर कंपनी ने फॉलो करना है क्या? हाँ। यस और नो? क्लियर है? सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्या प्रोवाइड करते बेटा? इशूड बाय ICAI, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, है ना? प्लीज़ ध्यान देना, which provide us, प्लीज ध्यान देना, फ्रेमवर्क, प्रॉपर फॉर्मेट रे, फ्रेमवर्क मत दिए, फॉर्मेट, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये फिनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? साल के आखिरी में। सर ये कब पढ़ेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट? एक अलग टॉपिक आएगा फाइनल अकाउंट तब। सो अकाउंटेंट ने फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट, ढांचा, फ्रेमवर्क, नॉर्म्स NORMs, नॉर्म्स, फ्रेमवर्क, रूल्स कैसे रहेगा, कैसे प्रिपेयर करना है ना, वो ढांचा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन कैसे रहना, वो सारी चीज यहाँ पे दी है। सर इससे क्या हो जाएगा मुझे एक बात बताओ, एक और एक इंडस्ट्री है समझ लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें है कि नहीं कपड़ा बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसमें बहुत सारी कंपनी है, इसमें कंपनी है आपकी मान लो एक्स, इसमें एक और इसी इंडस्ट्री में कंपनी काम करती कंपनी वाई, इसी टेक्सटाइल में कंपनी काम करती जेड। अब कंपनी एक्स अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बना रही है, ये कंपनी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बना रही है, ये कंपनी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बना रही है। बोलो तीनों सेम इंडस्ट्री में है, तीनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, तीनों कपड़े की इंडस्ट्री में है, तीनों कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तीनों का काम सेम है, लेकिन तीनों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बनाया। बोलो इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने लायक रहेंगे क्या? नो। कंपेरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग। जैसे मेरा CA फाइनल का रिजल्ट और मेरे भैया के छोटी बच्ची का फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट, क्या ये रिजल्ट कंपेरेबल है क्या? नो। मैं उस बच्ची को बोलूँगा या तो एक काम कर, मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का और तेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का कंपेयर कर, या तू जब CA फाइनल में आएगी तो तेरा CA फाइनल का और मेरा CA फाइनल का कंपेयर कर। ऐसी कंपेरिजन नहीं होंगी, या तो दोनों का CA फाइनल का या दोनों का फर्स्ट स्टैंडर्ड का, एंड कंपैरिजन करने के लिए इक्वल फुटिंग जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा, कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल फुटिंग। और वो इक्वल फुटिंग कैसे आएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से।
जब ये सारी कंपनी सेम सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगी, जब ये सारी कंपनी सेम सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगी, कहा गया रे, हाँ ये सेम सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज करेगी तो ही आएगी कि नहीं, यस और नो? अब ये तीनों कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, तीनों के फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भरोसे पे हैं, मतलब तीनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। हाँ, प्रॉफिट अलग अलग रहेगा तीनों का, तभी तो कंपेरिजन कर पाएंगे ना हम लोग, यस और नो? नहीं तो हर कोई अपने अपने अलग अलग घोड़े दौड़ा रहा है, बोलो चलेगा क्या? नो। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अगर हर एक ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेथड फ्रेमवर्क फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट से अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर पाऊंगा ना? सर कंपेयर करना क्यों है भैया, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे इसमें से कोई तो एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं तीनों कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट आमने सामने रखूंगा और कंपेयर करूंगा तीनों में से कौन सा अच्छा है। तो कंपेयर करने के लिए तीनों सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से अगर बनाए होंगे तो ही कंपेयर कर पाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि नहीं? हर कोई अपने अलग अलग घोड़े दौड़ाएगा तो कंपेयर कर पाऊंगा क्या? बताओ मुझे, पेन और ये कप दोनों में कंपेरिजन पॉसिबल है क्या? हाँ, अगर यहाँ पे दो पेन होते तो मैं कंपेयर कर सकता था, एक पेन ग्रीन कलर की कैप है, इसमें कैप नहीं है, ये पेन 20 का है, ये 15 का है, दोनों पेन है तो कंपेरिजन पॉसिबल है। समझ में आया? अरे मगज में आया, यस और नो? हाँ चल। सो यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर है, पक्की बात है ना? ये क्यों करते हैं? क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है? क्यों? टू इंश्योर क्या? इंश्योर करने के लिए, क्या भरोसा दिलवाने के लिए? टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी। अगर सभी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे तो वो रिलायबल है, भरोसा करने लायक है। रिलायबिलिटी, एडिक्वसी, पूरे पूर है एडिक्वसी। एक सेकेंड ना, QACY, भरपूर है, पूरे कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एडिक्वसी, यस और नो? देन कंसिस्टेंसी भी रहेगी क्या? यस सर। कंसिस्टेंसी मतलब, अरे बाबा पिछले पीरियड में आपने जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, जो पॉलिसी फॉलो की, सेम पॉलिसी इस पीरियड में भी फॉलो करना है, पिछले पीरियड में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, इस पीरियड में भी फॉलो करो। सो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइड करते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तब तू मुझे फॉलो करेगा, मैंने जो फ्रेमवर्क बताया है उस फ्रेमवर्क के हिसाब से तूने अकाउंटिंग करना है, ना कि तेरे मन के घोड़े दौड़ाना है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। चलो आगे। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आया? ये रूल्स है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रूल्स रेगुलेशंस है जो ICAI ने इशू किए है। सर फाइनलाइज किसने किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो छोड़ दो, वो नहीं देखना है अभी। सो रूल्स रेगुलेशन जिसके अंदर में फॉर्मेट प्रोवाइड किया है फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, डन। अब हाँ, फ्रेमवर्क जनरली यूनिक रहता है सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ा? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो। यस बेटा, फ्रेमवर्क यूनिक रहता है सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे टेक्सटाइल कंपनी वालों का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी के अंदर में जितनी भी कंपनीज है, HDFC, SBI है ना, ICICI, इन सब का फिनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क यूनिक रहेगा, अदर कंपनी का यूनिक रहेगा, है ना, सेम रहेगा। बट डोंट वरी, आपको 11वीं में ना ही किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना है, ना 12वीं में। सर कब बनाना है? दोनों के बाद। क्लियर? पक्का?
सो नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है? हर कोई अपने अपने हिसाब से करेगा. मुझे एक बात बताओ, मुझे अब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर वो कंपनी ने फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से नहीं बनाए, बोलो मुझे समझ में आएंगे क्या? नो. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, पहली ज़रूरत, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. फिनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए येस और नो, बरोबर है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, फॉर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, उसके बाद फॉर कंपेरेबिलिटी, ये सारी ज़रूरतें हैं. अच्छा सर, अब थोड़ा समझ में आ रहा है. कंपेयर करने लायक होने चाहिए ना फिनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो? फॉर रिलायबिलिटी, सर आप तो वही ऊपर के वर्डिंग लिख रहे हैं. हाँ, भरोसा करने लायक कब रहेंगे? अगर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से बनाए. लॉ भी कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, यस और नो? सो टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट. हाँ, ये सारी वजह है जिसकी वजह से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते. क्लियर? पक्का? डन? उसके बाद अब अच्छे से ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा. अब ध्यान देना. अब जैसे मैं भारत में हूँ, प्लीज ध्यान दे बेटा सब लोग, मैं भारत में हूँ, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं भारत में हूँ, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे बेटा सब लोग. अब मान लो मेरा धंधा अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, चाइना में भी है, बांग्लादेश में, ईरान, सब जगह है, प्लीज़ ध्यान देना. सुनना सब लोग ध्यान, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ. अब मैं आज तक बिजनेस सिर्फ भारत में कर रहा था, लेकिन अब ध्यान दो, ये लिख लिया सभी ने, अब ध्यान देना. ए बेटा, ये मैं हूँ इंडिया में, ये मैं यहाँ पे हूँ पुणे में, ये पुणे, मुंबई पुणे आसपास ही. अब मेरा बिजनेस है चाइना में, मेरा बिजनेस बहुत फैला हुआ है, यूएस में भी है मेरा बिजनेस, इधर श्रीलंका में भी है ना, इंडिया में भी है. अब मैं जब फिनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बनाऊँगा, तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना लिए. अब मेरा बिजनेस चाइना में भी है, चाइना में भी मेरा लेन देन होता है, चाइना में भी मेरा लेन देन होता है, तो अगर किसी चाइना के इंसान को मेरे धंधे में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या बोलेगा? भैया मुझे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते, मुझे चाइना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, चाइनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बताओ. यूएस वाले के साथ मैं धंधा कर रहा हूँ, यूएस के अंदर में भी मेरा काम फैला हुआ है, ये बोलेगा मुझे यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो. श्रीलंका वाला बोलेगा मुझे, श्रीलंकन सॉन्ग चल रहा है ना, मन के मागे हिके, यस और नो? सुना होगा आपने, बहुत पहले एक सॉन्ग आया था मन के मागे हिके, यस और नो? तो उसने बोला मुझे हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बना के दो. अब मेरा अकाउंटेंट पागल हो जाएगा, वो बोलेगा मैं कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूं, इंडिया का, यूएस का, श्रीलंका का, चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो अब अच्छे से ध्यान दे दो. इसीलिए अगर, प्लीज ध्यान देना बेटा, मेरा काम आउट ऑफ इंडिया भी है, उस केस में एक ऐसे सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली इस पृथ्वी पे हर जगह अप्लीकेबल है, नियर अबाउट हर जगह अप्लीकेबल है, उसे हम लोग बोलेंगे ग्लोबल, प्लीज ध्यान देना, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो अगर मैंने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, तो
मुझे अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम नहीं है, और ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यस और नो, ये बात समझ आई? सो अगर मैंने IFRS फॉलो किया, IFRS क्या है? ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो अगर मैंने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना दिया, तो मुझे चाइना का अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट, US का अलग, श्रीलंका के हिसाब से अलग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको समझ में आते हैं। क्लियर है? इन्हीं ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? IFRS। इन्हीं ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? IFRS। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात सर। ये क्यों किया हमने? ये इसके पीछे की वजह है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये कोई नहीं बताता बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, 99% टीचर और बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, आगे जाके आपको CA करना है, इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर? पक्की बात? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? ऑल सेट? पक्का? डन डन डन। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस टॉपिक का एक लेक्चर और रहेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन? नहीं बिटिया, अभी तक चालू नहीं किया। एक बच्ची सवाल पूछ रही थी, सर आपने CA फाउंडेशन का अकाउंट अभी चालू किया? नो। डन? ओके देन, एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर।